खबर उन्नाव से। सूचना प्राप्त हुई कि विशंबर दयाल निजी सचिव अपर मुख्य सचिव नगर विकास ने बापू भवन के 8वें तल में स्थित अपने कार्यालय कक्ष संख्या 825 में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से स्वयं को गोली मार ली। मौके पर मौजूद स्टाफ कर्मचारियों द्वारा एम्बुलेंस में तत्काल विशंबर दयाल को घायल अवस्था में उपचार हेतु राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। इस सूचना पर तत्काल सहायक पुलिस आयुक्त हजरतगंज प्रभारी निरीक्षक हुसैनगंज मैं फोर्स के घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त रिवॉल्वर खोखा एवं जिंदा कारतूस मोबाइल फोन ओप्पो चालू हालत में तथा एक सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट हस्तलेख में है जिसमें उल्लेख किया गया है कि जनपद उन्नाव के थाना आरास में विशंबर दयाल उपरोक्त की बहन का उसके ससुराल वालों के साथ विवाद चल रहा था जिसमें मुकदमे पंजीकृत हुए हैं जिसके कारण वह तनाव में थे। इसी वजह से विशंबर दयाल द्वारा अपनी रिवॉल्वर से आत्महत्या का प्रयास किया गया। हस्तलेख में पुलिस द्वारा विशंबर दयाल को प्रताड़ित करने के संबंध में जांच पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र द्वारा की जा रही है। विशंबर दयाल सचिव है, बापू भवन में कार्यरत थे 8वें तल पर। आज सुबह अपने किसी काम के सिलसिले में अपना कक्ष खोल करके काम कर रहे थे। अपने पिस्टल से उन्होंने खुद को गोली मारी है। तत्काल जब सूचना मौके पर अगल बगल लोगों को आवाज़ सुनाई दी, इनको एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है। वहां उनका दवा इलाज चल रहा है। अभी जो जानकारी मिली है कि KGMA में उनको रिफर किया गया है। मौके पर घटनास्थल से उनका रिवाल्वर और मोबाइल पड़ा हुआ है। फोरेंसिक टीम हमारी आ गई है, वो कार्य कर रही है। जो वैज्ञानिक साक्ष्य कलेक्ट किए जा रहे हैं, जो भी तदनुसार जांच होगी आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी चूंकि मैं बता रहा हूं कि फोरेंसिक टीम के माध्यम से उन सब चीज़ों की खोज की जाएगी क्योंकि बहुत सारी फिंगरप्रिंट अन्य चीज़ें हैं, इसलिए हम उसको अभी तो क्या लाइसेंसी रिवॉल्वर थी क्या था? देखने से ऐसा लग रहा है कि लाइसेंसी पिस्टल रिवॉल्वर है, लेकिन अभी इसके उनके घर वालों से उसका लाइसेंस। तो क्या रोज लाइसेंसी रिवॉल्वर लेके अंदर आते थे? रोज लाइसेंसी रिवॉल्वर लेके अंदर आते थे क्या? अब ये सारी चीजें जांच का विषय है, हम लोग सारी चीजें हर बिंदुओं पर जांच करेंगे। अभी तक गोली मारी गई है, मतलब यहाँ पे जो लोग हैं इस बात के लिए राइट हैं कि वो अपनी लाइसेंसी पिस्टल या रिवॉल्वर यहाँ ला सकते हैं सर? क्योंकि अब जैसा कि मैं बता रहा हूँ, सारे हर बिंदुओं पर जांच किया जाएगा कि किन परिस्थितियों पर रेगुलर ये लाते थे, ये आज ले आए, जो भी स्थिति होगी सारी चीजें जांच करके और फिर उसके अनुसार जो भी तथ्य प्रकाश में आएगा उनसे अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। क्लियर हो पाया? आज अवकाश है सर, छुट्टी है, छुट्टी पे सब पहुंचे थे यहाँ पे, बुलाया गया था क्या? अब जैसा मैं बता रहा हूँ कि सारी चीजें हर बिंदुओं पर जांच की जाएगी। इसके बाद कर रहे थे किसके निजी सचिव थे? ये अपर मुख्य सचिव नगर विकास श्री रजनीश दुबे साहब के निजी सचिव। यहाँ आज और भी कुछ कर्मचारी आए थे कि वो अकेले आए थे? नहीं, और कर्मचारी भी अगल बगल में भी एक व्यक्ति आए थे, उनसे भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। ठीक है।